हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई फाइ स्टडीज स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी सो फाइनली सुबह हो चुकी है और जिनकी अभी तक सुबह नहीं हुई है उनकी सुबह हो जाए वो ज़्यादा बेटर है इट्स टडी सेवंथ ऑफ मई और देखते हैं कि आज सुबह तक के करंट अफेयर्स के पॉइंट्स है कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कौन कौन से ऐसे सेक्शन्स हैं जहाँ से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होंगे चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फॉर ऑल द एग्जामिनेशन ये पर्टिकुलर सेशन आपका करंट अफेयर्स का रहता है ऑल राइट वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आइए जरा बात करते हैं कि सेशन में आज कौन कौन से क्वेश्चन होने जा रहे हैं और हाँ एक चीज़ का खास ख्याल रखा करिए कि जब क्लास शुरू हो जाता है तो थोड़ा सा कष्ट उठा लिया करो कौन सा कष्ट उठाना है मैम बताइए तो भैया कोई ज्यादा कष्ट उठाने की बात नहीं कर दिए सिर्फ इतना बोला है कि सेशन के लिंक को एक बार से शेयर जरूर कर दिया करिए एंड डू लाइक द सेशन चलिए अच्छा करते हैं आज की क्लास की बात सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको ये बता दें कि आप में से जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी स्पेशल क्लासेस को अटेंड नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ स्पेशल क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये मत सोचो कि दिस इज़ ओनली फॉर द यूपीएससी दिस इज़ फॉर द स्टेट पीएससी ये सब चीज़ें थोड़ी ना होती हैं यार ंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम और अभी लॉकडाउन के टाइम को अगर आप अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हो तो या लाइफ में करोगे फिर क्या है ना चलिए अच्छा सेकेंडली आपको बता दें सीई टी का क्लास कल नहीं हुआ था बट आज से आपको दोपहर में दो बजे ये क्लास स्टार्ट होने जा रहा है मंडे टू थर्सडे ये क्लासेज रहा करेंगे ठीक है अच्छा अब आज के सेशन में होगा क्या गुड मॉर्निंग आई टी आई आग, नेहा आग, ये वाला एक्ट में पढ़ा चुकी हूँ या गुजरात के अंदर अभी रिसेंटली इसको पास किया गया था याक मैंने पढ़ा दिया बट आई विल ट्राई कि इसको एक बार फिर से रिपीट कर पाए ठीक है चलिए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास का लिंक नहीं मिल रहा है बेटा लिंक अगर आपको वहां पे नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम पे चेक करो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया ठीक है चलिए चिंटू आयुष्मान शुभम गगन सलोनी uh, सुनील वेरी गुड मॉर्निंग आइए देखियो भाई देखिए सबसे पहले क्या सेक्शन है भैया न्यूज़पेपर एनालिसिस आप गाओगे मैम न्यूज़पेपर एनालिसिस में क्या आया है कुछ खास है क्या कल मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाया था ओवर द श्रीलंका आई होप कि आपको ये चीज़ याद होगी कि श्रीलंका और चाइना के बीच में जो दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत चल रहा है उसके ऊपर यहाँ पे कुछ न्यूज़ आई थी कल मैंने इसको पढ़ाया भी था अगर आपने वाला सेशन देखा होगा तो इसके बाद में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू का पार्ट जहां पे आपके क्वेश्चंस को फ्रेम आउट किया गया है उसके साथ में जो फैक्ट होगा वो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वेदर इट्स रेलवे और इट्स यूपीएससी ठीक है नास्ट में जी के का सेक्शन जो आपके बैंकिंग के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ठीक है मौसम एंटोनियो राज रोहित निरंजन अनुष्का सी वेदांत पंकज बंगाली बाबू हाँ कैसे हाल है अभी फिलहाल बंगाल के अंदर बंगाल में भी कुछ कंट्रोल हुआ कि कंट्रोल नहीं हुआ प्रीति कुमारी ठीक है आ, अंजन सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट एग्जैक्टली बहुत सही तुमने बात बोली इस पर तो तुमको एक चॉकलेट मिलेगी आदित्य नीरज प्रफुल ब्लैक फंगस नाम बदल ले भाई तुरंत नाम बदल ले बता रहे हैं तुमको वेल well, कल मैंने आपसे सवाल पूछा था आप सभी लोगों ने इसका आंसर किया वेल इनको बहुत अच्छी बात है इसी तरीके से आपको चीजों को आंसर करते हुए चलना है ठीक है आइए जरा बात करते हैं थॉट ऑफ द डे के बारे में जो कि आपको पूरे दिन भर मोटिवेटेड रखेगा भाई जरूरत होती है एक थॉट तो होने ही चाहिए ना सुबह सुबह कौन है अभिलाष भैया ओके अगर आपने एस्परिन देखी है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी तुझे क्या लगा मैं हार जाऊँगा थोड़ा और इंतज़ार कर मैं लौट कर फिर वापस आऊँगा आई होप कि आप लोगों ने सेकेंड लास्ट वाला जो इसका सीन था वो आपने देखा होगा बिल्कुल लास्ट वाला कि इनके पास में सारे अटेम्प ओवर हो चुके होते हैं देन अ न्यूज कम्स तो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो वो चीज आपको यहां पे जरूर से नसीब होती है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अभी ऐसा लग रहा है कि भाई अभी हम पढ़ाई नहीं करेंगे हम जब लॉकडाउन खुल जाएगा या फिर सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी देन आई विल स्टार्ट स्टडिंग मतलब ये तो बेवकूफी की भी लिमिट होती है क्योंकि आप भी ये चीज जानते हो कि जो करेंट अफेयर्स है वो आप अगर एक दिन में लेके पढ़ने बैठोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल वो कोई भी यहाँ पर तैयार नहीं कर सकता चाहे आप हो चाहे मैं हूँ तो प्लीज इन सब चीजों के साथ में थोड़ा सा थोड़ा सा अच्छे से अब काम करना शुरू कर दो ठीक है <laughs> चलो अच्छा सौरभ घोष अभी बेटा पढ़ाई की बातें करते हैं ठीक है ये सब चीजें बाद की बात है रिंकी आ, अंतिम आ, नीरज आ, जगदीश संजय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आइए जरा बात करते हैं सबसे पहली न्यूज के बारे में देखो सबसे पहली न्यूज जो है वो है श्रीलंका के साथ में क्या हुआ है देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये गई कि वेन वी टॉक अबाउट श्रीलंका जब हम श्रीलंका की बात करते हैं तो इसकी लोकेशन कहाँ है इसकी लोकेशन आपको इंडियन ओशन में मिलती है हिंद महासागर में है सबसे पहला पॉइंट तो ये अब यहाँ पे आप जानते हैं कि चाइना अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए कांड पे कांड करता रहता है ये भी हम सभी लोग जानते हैं लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है कल मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि श्रीलंका की सरकार के द्वारा पॉइंट टू बी नोटेड श्रीलंका की सरकार के द्वारा संसद शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है श्रीलंका की जो सरकार है यानी कि जो राजपक्षी फैमिली है इन्होंने क्या कर दिया है एक बिल पारित कर दिया है यानी कि एक प्रस्ताव था उसको पारित कर दिया है अब वो कानून बनने जा रहा है क्या है क्या है उसके अंदर इस बिल का नाम है पासिस पोर्ट सिटी बिल यानी कि कौन सा वाला बिल है पोर्ट सिटी बिल है ये पोर्ट सिटी बिल क्या होता है सुनो आपने देखा है कि इंडिया के अंदर टोटल कितने मेजर पोर्ट्स आते हैं तेरह मेजर पोर्ट्स आते हैं नया वाला जो पोर्ट बनाया जा रहा है वो कौन सा है वर्धमान है कहाँ पे है महाराष्ट्र के अंदर है इन सबको जोड़ने के लिए इंडिया ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम क्या था सागरमाला प्रोजेक्ट ये हम सभी लोग जानते हैं राइट लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप जरा इस मैप को एक बार से देखो तो आपको चीज़ें थोड़ी बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगी कल के क्लास में मैंने आपको साढ़े दस बजे पढ़ाया था ये पर्टिकुलर मैप आपके स्पेशल क्लास में जहाँ पे इंडिया एंड इट्स कंट्री के इन नेबर कंट्रीज के बारे में पढ़ रहे थे ध्यान से देखिएगा छोले भटूरे सोनालिका सोनाली एम वाले भैया अब ध्यान से प्लीज गाइज अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ठीक है तनमय शुभी मोहित जयश्री वेरी गुड मॉर्निंग गाइज़ अब तेरा थोड़ा ध्यान से मैप देखना ये वाली जो लोकेशन आप देख रहे हो ये क्या है हम्बन टोटा पोर्ट है आपको ध्यान होगा कि चाइना ने इसको डेवलप किया था और डेवलप करने के टाइम पे कहा था जैसे कह कहा था ना तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तो इन्होंने कहा था कि तुम मुझे ज़मीन दो मैं तुम्हें पैसा कमा के दूंगा लेकिन यहाँ पे हो गया थोड़ा सा धोखा धोखा कैसे हो गया वो ऐसे हो गया कि इस जगह को चाइना ने डेवलप तो कर दिया लेकिन श्रीलंका यहाँ से पैसा कमा नहीं पाई और बाद में जब चाइना को लगा कि यार मेरे को लॉस हो रहा है से, तो चाइना ने कहा ओ भाई साहब मेरा सारा का सारा जो पैसा लगा था वो सारा पैसा मेरे को वापस करो अब श्रीलंका के पास में अगर इतना पैसा पहले से होता तो वो खुद ही ना डेवलप कर लेता तो इसे हम क्या कहते हैं डेप्थ ट्रैप कहते हैं यानी कि कर्ज में किसी को डुबो देना और कर्ज में किसी को इतना ज्यादा डुबो देना कि वो व्यक्ति फिर आपसे क्या कहे कि हाँ भाई हाँ तू एक काम कर इस चीज़ को ले ले तो यहाँ पे हम्बन टोटा पोर्ट जो है ये 99 नाइन ईयर्स के लिए लीज पर दे दिया गया है किसको चाइना को चलो ठीक है एक तो ये सेक्शन हो गया लेकिन अब हम दूसरे वाले सेक्शन की बात करते हैं आपको याद होगा कि ये जो जगह है दिस इज कोलम्बो इंडिया ने कहा था कि वेस्टर्न और ईस्टर्न वाला जो टर्मिनल है उसको हम डेवलप करेंगे यानी कि एक जो टर्मिनल था वो कोलंबो वाले एरिया में था लेकिन यहाँ पे श्रीलंका ने बोला था कि आप एक काम करो आप ये वेस्टर्न वाला टर्मिनल जो है ना उसे मत डेवलप करो पूछा क्यों 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 भाई क्यों ना करें इन्होंने कहा नहीं नहीं इस वाले को डेवलप मत करो आप इधर वाले को डेवलप कर लो उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि भाई इसमें कोई तो लोचा है कुछ याद आया कि नहीं याद आया तो यहाँ पे अब क्या हुआ इस जगह को दे दिया गया कि ठीक है इंडिया डेवलप करेगा किसके साथ में मिलके जापान के साथ में मिलके और अदानी ग्रुप यहाँ पे सारा का सारा पैसा लगाएगा ठीक लेकिन ये जो कोलंबो वाली जगह है इस जगह का जो एरिया था करीबन 269 सिक्सटी का वो उठा के इन्होंने किसको दे दिया है चाइना को अब आप कहेंगे तो इससे हमें क्या फर्क पड़ा अरे भाई कहानी को समझिएगा ये एरिया चाइना को दे दिया गया श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट श्रीलंका की असेंबली सभी लोगों ने इस चीज का विरोध किया और यहाँ तक कह दिया कि अगर हम इसी तरीके से अपना जो लैंड है वो चाइना को देते रहे तो वो दिन क्या दूर नहीं है जब क्या होगा पूरी तरीके से श्रीलंका जो है वो चाइना की कॉलोनी बन जाएगा क्या हो जाएगा श्रीलंका की कॉलोनी बन जाएगा कॉलोनी का मतलब क्या होता है उपनिवेश होता है वंस अपॉन अ टाइम इंडिया जो था वो भी तो ब्रिटिशर्स के लिए उपनिवेश था ना बिल्कुल वैसे ही ये बनने के लिए तैयार है अच्छा तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं कि चाइना क्या कर रहा है अब तुम मुझे आंसर करके बताओ कि चाइना की कौन सी ऐसी पॉलिसी चल रही है जिसने कल का क्लास किया होगा उसको यहाँ पे पता होगा आपको बताना है कि चाइना की ऐसी कौन सी पॉलिसी चल रही है जिसके अंदर चाइना भारत को हर तरफ से घेरने का काम कर रहा है आंसर करके बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर पटा से आंसर करो तो चलिए भाई चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ देखो क्या है सवाल हाँ जी भाई अभी अभी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे लो है ना वरना फिर क्या फायदा हम लोग को भी चलना पड़ेगा कहाँ पे चाइना के अंदर है ना <laughs> मारी दो अरे मैंडी देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल यानी कि अभी क्या डिसाइड किया गया है कि एक ऐसा पैनल बनाया जाएगा एक ऐसा ग्रुप बनाया जाएगा जहाँ पे हाई लेवल यानी कि बहुत ही ज्यादा एक ऐसे आप कह सकते हो कि बिल्कुल हाईटेक टाइप का एक ऐसा ग्रुप बनाया जाएगा जिसका काम क्या होगा रिसर्च का काम होगा क्या करेंगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बिल्कुल सही आंसर क्या होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करेक्ट है अच्छा तो यहाँ पे ये जो पैनल बनाने की बात बोली जा रही है ये पैनल कौन बनाएगा क्या क्या चीजें होंगी आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं देखो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो है वो चाइना की पॉलिसी है जिसके थ्रू वो क्या करेगा वो इंडिया को घेरेगा और जो दूसरी पॉलिसी है जिसको इंडिया ने स्टार्ट किया है ताकि वो काउंटर कर सके किसको किसको काउंटर कर सके चाइना को तो उसके लिए क्या बनाया गया है नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया गया है ठीक है वीके बिल्कुल सही है अब जरा इस वाली न्यूज को समझते हैं वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल जो बनाया गया है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लिखा है पहला पॉइंट इस तरीके का एक पैनल जो है वो फ्रांस और जर्मनी ने 2020 में बनाया था बिल्कुल सही बात लिखी है दूसरा लिखा है कि इसकी जो मीटिंग है वो अभी हाल ही में 2021 थाउजेंड मे में हुई है बिल्कुल सही लिखा है तीसरा लिखा हुआ है कि इस पैनल को बनाने के लिए यहाँ पे तीन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस मिलके काम करेंगी डब्ल्यू एच और यू यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूएनई पी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम बिल्कुल सही बात देखिए तो इसका आंसर क्या होगा ऑल द स्टेगमेंट आर करेक्ट ठीक है अच्छा अब पॉइंट यहाँ पर यह आती है भैया उस क्लास का लिंक आपको टेलीग्राम से मिलता है करेंट अफेयर बाय्रति आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को यू एन ने क्या कहा है यू ने अनाउंस किया है कि हम एक ऐसा पैनल बनाएंगे हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जहां पे हेड करने के लिए तीन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होंगी तो अब आप पूछोगे कि काय के लिए बनाएंगे क्या काम करेंगे दुनिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की कमी हो गई है क्या कि एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे नहीं यू ने बोला कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाएंगे ताकि यहाँ पे ये जो बोला जा रहा है कि जोनॉटिक होती जा रही हैं डिजीजेस जोनॉटिक का मतलब क्या है कि एक एनिमल से एक ह्यूमन में ट्रांसफर जो होता है उसे हम कहते हैं जोनोटिक जैसे कि मान लो कि गोलू है है ना अब गोलू के पास में पेट भी है उसके यहाँ पर एक कुत्ता भी पला हुआ है अब बीमारी तो हुई थी उस कुत्ते को लेकिन वो क्या हो गई उस गोलू के अंदर वो ट्रांसफर हो गई समझे तो ये जो बीमारियां इस तरीके से किसी भी एनिमल से किसी ह्यूमन में आ रही है उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा अच्छा तो इसमें क्या क्या फैक्ट है जो हमारे पेपर में आ सकता है अब जरा हम उस चीज के बारे में बात करते हैं ठीक है ना ध्यान से सुनिएगा भाई देखो गोहरारी बहरा जो भी आपका नाम है वॉट भाई क्लास के अंदर आके देखो स्पैम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी पढ़ने की इच्छा हो तो आप पढ़ाई करिए अगर आपने अपने जीवन में कुछ सोचा है अपने लिए अच्छा तो पढ़ाई करिए वरना क्लास क्विट कर दीजिए सर प्लीज़ बट दूसरों को डिस्टर्ब मत करिए दिस इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड बहुत कम ही लोग होते हैं जिनसे मैं दरख्वास्त करती हूँ उनमें से आप आज एक आ चुके हैं तो प्लीज़ डोंट डू दैट ठीक है मत करिए ऐसा ओके okay? चलो आ जाओ पढ़ाई कर लो लाइफ में यही काम आना है बाकी तो सब मुंह माया है कहा लेके जाओगे ये सब लेके जाओगे चलो पढ़ो देखिए सबसे पहला पॉइंट किसको बनाने की बात किसने और ये किस तरीके का पैनल होगा एक हेल्थ पैनल होगा ठीक है पैनल का मतलब समझ रहे हो ग्रुप होगा पैनल का मतलब ये नहीं कि भैया कोई चीज तोड़ के दरवाजे पे लगा दी है खिड़की हो गई उसको हमने कह दिया पैनल दिस इज नॉट पैनल पैनल का मतलब क्या है अ ग्रुप क्या मतलब है इसका अ ग्रुप अच्छा अब यहाँ पे ग्रुप तो बनाया जाएगा लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है यू है डब्ल्यू है और इसके साथ में एफ भी जो है वो इसका पार्ट बनेगा बहुत अच्छी बात है लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है नरोबी के अंदर है नरोबी किसकी कैपिटल है केनिया की कैपिटल है डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है जिनेवा के अंदर है जिनेवा कहाँ पर है स्विट्जरलैंड के अंदर है अगला लिखा है एफ एओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है रोम के अंदर है और रोम किसकी कैपिटल है इटली की कैपिटल है अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि ये तो चलो हमें समझ में आ गया कि ये सबके सब मिल के काम करेंगे लेकिन कौन कौन सी डिजीजेस होंगी कौन कौन सी बीमारियाँ होंगी जो यहाँ पे किसके ऊपर रिसर्च होगी किसी ना किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे ना तो यहाँ पे क्या किया जाएगा जोनॉटिक जो हैं यानी कि एक एनिमल से जो एक ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती है उसके ऊपर ही रिसर्च करेंगे बहुत अच्छी बात है तो ये कौन कौन सी डिजीजेस हो जाएंगी जैसे कि जीका वायरस कहाँ पर जीका वायरस साउथ अमेरिका में इसके केसेस मिले इसके बाद में आपने देखा इबोला वायरस केसेस अभी कहाँ पे ख़त्म हुए थे कॉन्गो के अंदर खत्म हुए थे तो ये जो बीमारियां हैं और इसमें से सबसे ऊपर कौन सी वाली बीमारी आएगी ऑब्वियस है कौन सी आएगी द वन एंड द ओनली दैट इज कोविड नाइन्टीन ठीक है अच्छा अब बात यहाँ पर यह है कि ये तो हमने सारी बातें डिस्कस कर ली लेकिन अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि क्या इतने ही पढ़ के हमारा काम चल जाएगा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ये देखो ये कौन चचा हैं अरे ये वही चचा वाली कंट्री के मेंबर हैं इसको कहते हैं पेंगुलिन क्या कहते हैं इसको पेंगुलिन अब सुनिएगा मैंने पेंगुलिन की इमेज क्यों यूज करी है सबसे बड़ा पॉइंट तो यहाँ पर यह है कि जब कोरोना वायरस की बात आई थी कि कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो यहाँ पे सबसे पहले इसमें और इसके बाद में दूसरों को फैलना शुरू हो गए थे तो उस टाइम पे पेंगुलिन का नाम बहुत ज़्यादा आया था तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेंगुलिन है ये इनडेंजर्ड कैटेगरी में आता है आई की किसकी आई की इन कैटेगरी के, के अंदर आता है चांद चांदा रोशन चेहरा इसी बात पर एक बार ज़रा शेयर मार दो हैं शेयर मार दो गौरी बेटा वो मेरे को दिखा नहीं होगा आप एक काम करना यू जस्ट ड्रॉप अ टेलीग्राम मैसेज ओके चलिए अच्छा अब आगे की बात करते हैं एक और न्यूज यहाँ से जुड़ी हुई है कमी नहीं है खबरों की कमी नहीं है आजकल मतलब हेल्थ सेक्टर में इतनी भरभर के न्यूज आ रही है ना कि अब तुमको हम क्या कहें अब सुनो यहाँ पे और मजेदार बात वो क्या है जोनोटिक डिजीज के लिए तो काम करने के लिए एक इन्होंने अलग चीज बना दी थी लेकिन ये वाली न्यूज पढ़ने के बाद में अगर कोई हंसा तो वो पिटा सुनो डब्ल्यू एच ओ ने कहा है कि वो स्विट्जरलैंड के साथ में मिलके एक हब लॉन्च करेगा हब का मतलब क्या होता है जैसे कि राजेंद्र नगर दिल्ली के अंदर अब ये क्या है ये एक हब है ना जहां पे यूपीएससी के एस्पुर जाते हैं सारे के लिए तो यहाँ पर एक हब बनाया जाएगा कहा स्विट्जरलैंड के अंदर किसकी सहायता से डब्ल्यू एच ओ की सहायता से जहां पे क्या होगा एनालिसिस करी जाएगी किस चीज की एनालिसिस करी जाएगी तो आओ जरा बात करते हैं ध्यान से तो सुनना कोई हंसा तो सोच लेना सुनो क्या बनाएंगे हम हब सिस्टम बनाएंगे सवाल में सीधे आपसे पूछा जाएगा कि ये कहां पे बनेगा आप आंसर करोगे स्विट्जरलैंड के अंदर इसको बनाया जाएगा किसकी सहायता से बनाया जाएगा डब्ल्यूएच की सहायता से काम क्या करेगा सुनो आपने अभी सुना था वुहान लैब के बारे में सबको पता है वुहान लैब है वुहान लैब सब लोग जानते हैं वुहान लैब जो वायरोलॉजी सेंटर है चाइना का सबसे बड़ा वहां पर अभी कुछ टाइम पहले बोला गया था कि ये जो कोरोना के वायरस हैं ये यहीं से लीक हुए थे ये बात यहाँ पर बोली गई थी तो अब इन्होंने बोला है डब्ल्यू एच ओ ने कि हम एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां पे दुनिया के सारे वायरस को इकट्ठा करेंगे मतलब अभी एक से काम नहीं चल पा रहा था दिल नहीं भर पाया था जो एक बार फिर से कांड करने जा रहे हैं इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जितने भी वायरस हैं जितने भी तरीके के वायरस हैं सबको लाके हम एक ही जगह पे रखेंगे सबका मालिक एक और वो क्या है पढ़ाई तो यहां पर कि जितनी भी दुनिया में वायरसेस हैं, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो चाइना में हो चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, सबको लाके रखा जाएगा एक ही जगह रखा जाएगा, और इसी को नाम क्या दिया गया बायोहब अब आप कहेंगे वॉट्स नीड इसका काम क्या है इसकी जरूरत क्या है तो इन्होंने ये बोला है कि अगर हमारे पास में पहले से वायरस होगा सुनना ध्यान से सुनना अगर हमारे पास में पहले से वायरस होगा तो हमको पता रहेगा ना कि इसके सिम्टम्स क्या हैं हम यहाँ पे इसके ऊपर रिसर्च कर पाएंगे कि ये जो पाइथोजेन है ये किसको इफेक्ट कर सकता है और अगर हमें ये सब चीज़ें पहले से पता चल जाएंगी तो हम क्या बना के तैयार कर लेंगे वैक्सीन बना के तैयार कर लेंगे तो इसी बात पर एक ताली तो बजाई तो ऐसा इन्होंने कह दिया है ठीक है तो यहाँ पे क्या इन्होंने कहा है हम वैक्सीन बना के पहले से तैयार कर लेंगे ठीक है अब इसी में नाम आता है किसका सार्स सी ओ वी टू का SARS-CoV-2 का नाम क्यों आ रहा है क्योंकि अभी रीसेंट टाइम में जो आपको वायरस देखने को मिल रहा है वो कौन सा है कोविड का है और इसी का नाम क्या है SARS-CoV-2 अब आप कहेंगे तो क्या मैम इसके जो वायरसेस हैं वो भी इलाके यहाँ पे रखे जाएंगे जी हाँ इन्होंने बोला है कि अभी पूरी दुनिया में आठ तरीके के वायरस पाए जा रहे हैं किसके कोरोना के इन सबको लाकर रखा जाएगा कहां पर यहां पर कहाँ पर यहाँ पर ला के रखा जाएगा स्विटरलैंड के अंदर चलो ठीक है भैया जब आएगा तब की तब देखेंगे लेकिन इसी के साथ में जरा एक और बात जो है वो आप यहाँ पे जान लीजिए आपको ध्यान होगा मैंने आपको वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री पढ़ाया था कॉकटेल के बारे में अभी खेंगे कि मैम कॉकटेल आजकल मिल नहीं रही है क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह बंद चल रहे हैं है ना सुनिएगा कॉकटेल का मतलब क्या होता है जैसे कि मानो तुम्हारे पास में एक ग्लास के अंदर थम्सअप है एक ग्लास के अंदर तुम्हारे पास में माजा है है ना ये आपको मिलती है ठीक है खतरनाक नोट्स हैं रोहित राणा ए अभी पढ़ाई करो सुनो तो यहाँ पे कॉकटेल का मतलब क्या होता है कि एक ग्लास में तुम्हारे पास में कोका कोला दूसरे वाले में क्या है माजा है दोनों को तुमने मिला दिया मिलके क्या तैयार हो गया कॉकटेल तैयार हो गया आपको कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था रॉस्कोस नाम की कंपनी थी जो कि सिपला के साथ में मिलकर कॉकटेल को प्रोड्यूस करने वाली थी भारत के अंदर कुछ याद आया और कॉकटेल का मतलब क्या है दो अलग अलग क्या होंगे एंटीबॉडीज़ होंगी इन दोनों को आपस में मिलाया जाएगा और इंजेक्शन के रूप में इंसान के अंदर उसको इंसर्ट किया जाएगा अब ज़रा सुनिएगा कि यहाँ पे इसका नाम क्या है वैसे मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ लेकिन कल फिर से इसका नाम एक बार से न्यूज़ में आया है तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इसका नाम क्या था इसका नाम था कैसरी वी मैप क्या नाम था कैसरी वी मैप सीधे पूछा जाए कॉकटेल आप बोलोगे कैसरी मैप ठीक है सी फॉर कॉकटेल सी फॉर दिस अच्छा ये है क्या ये एक तरीके का कॉकटेल बनाया गया यानी कि दो तो अलग अलग यहाँ पे एंटीबॉडीज को आपस में मिक्स किया गया और सिप्ला क्या करेगा इसको पूरे इंडिया में भेजने का काम करेगा अच्छा तो फिर मैम इसका पैसा कितना है पैसा कितना है अभिषेक हैप्पी बर्थडे बेटा सुनिए पैसा कितना है थोड़ा ज्यादा है एक्चुअली थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है कितना है यहाँ पे सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ है आप कहेंगे मैम ये कुछ ज़्यादा ही हो गया जी हाँ इसका जो अमाउंट है दैट इज सिक्सटी थाउजेंड रुपीज बट अभी फिलहाल के लिए इन्होंने ये अनाउंस तो कर दिया है कि सिप्लाई इसको प्रोड्यूस करेगा और ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है तो ये जो बातें हैं वो आपको यहाँ से याद रखनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट से आओ जरा जीके की बात करते हैं चलो कुछ तो जीके के बारे में बात करें डब्ल्यू एच ओ हेडक्वाटर कहाँ पर है जेनेवा के अंदर वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं तो सेवेंथ ऑफ अप्रैल को ये दिन सेलिब्रेट होता है और इसको बनाया कब गया था 1948 में इसको बनाया गया था अभी मैंने आपको कल पढ़ाया था कि सेवेंटी फोर्थ नंबर की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो बैठक हुई थी जिनेवा के अंदर इसको हेड किसने किया था हर्षवर्धन जी के द्वारा इसको हेड किया गया था अगर आपसे पूछा जाए गावी के बारे में तो गावी का हेडक्वाटर कहाँ पे बेटा पचास हज़ार फिफ्टी अरे यार कसम से बता रहे हैं तुमको हम कूट देंगे कह रहा है फिफ्टी नाइन थाउजेंड है भैया सिक्सटी थाउजेंड है तुम आगे टैक्स वैक्स उसमें जोड़ लो शायद तुमने टैक्स माइनस कर दिया होगा गावी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है जिनेवा के अंदर है और अगर आपसे कहा जाए कि गावी के चेयरपर्सन कौन है तो वो भी कौन हो जाएंगे हर्षवर्धन जी रहेंगे ठीक है हर्षवर्धन जी के पास में हमारे देश के अंदर दो मंत्रालय भी हैं कौन कौन सा पहला हो जाएगा हेल्थ मिनिस्ट्री दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस दोनों ही आपको क्या करने रट्टा मार के रखने सवाल आपसे यहाँ से पूछा जाएगा अच्छा डब्ल्यू एच ओ के हेड का नाम कौन बताएगा टेड्रोज अंकल कौन है ये टेड्रोज अंकल है ठीक है आइए जरा आगे चलते हैं अगली न्यूज बताओ खेल है भाई यहाँ पे भी यहाँ पे क्या है खेल है सुनिएगा हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव मालदीव के वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताना है थोड़ा ध्यान से आंसर करिएगा है ना हाँ और अगर आपसे पूछा जाए डब्ल्यू एच ओ फाउंडेशन के हेड कौन है तो अनिल सोनी है, करेक्ट है सुनिएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव पूछा है तो इब्राहिम सोलह कौन है ये तो प्रेसिडेंट है कहाँ के मालदीव्स के अब आप बताओगे वाइस प्रेसिडेंट कौन है क्या मोहम्मद नासीद हैं हो सकता है मुझे नहीं पता या फिर फैजल नासीद हैं मे बी मुझे इसके बारे में भी नहीं पता पटाख से इसका आंसर करो अच्छा न्यूज क्या आई है न्यूज ये आई है जहाँ पे एक तरफ आप देख रहे हैं कि चाइना अपनी प्रेजेंस को श्रीलंका के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है तो इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें तो इंडिया ने यहाँ पर ये कहा है कि वो मालदीव्स के साथ में मिलकर मालदीव्स के अंदर एक नई एम्बेसी बनाने जा रहा है क्या करने जा रहा है एक नई एम्बेसी बनाने जा रहा है अब नई एम्बेसी बना के क्या करेंगे आ जाओ बेटा जरा बात करते हैं आगे सुनना ये कौन है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ए कौन है तो ये हो जाएंगे अब छोड़ो ना क्या बात करनी है लेकिन सुनो काम की बात यहीं पर है देखो क्या लिखा है आडू अब कहेंगे मैम आडू क्या होता है आलू तो सुना है बचपन से सुनते चले आ रहे हैं आलू तो हमको बड़ा ही पसंद है है ना आलू इज वॉट टोमेटो है ना आलू इज व्हाट टोमेटो पक्का ना एक बार से बता देना पता तो चले कम से कम अच्छा सुनिए आडू नाम का एक शहर है एक सिटी है कहाँ पे मालदीव के अंदर इंडिया ने बोला कि हम क्या करेंगे वहाँ पे एम्बेसी बनाएंगे एम्बेसी क्यों बनाते हैं अब जैसे कि सपोज करो आ, हमारे क्लास में अजीत है राइट ये कौन है ये है अजीत अब अजीत मालदीव्स के अंदर रहता है अब मालदीव्स में जब अजीत रहता है इसने वहाँ पे अपना पूरा बिजनेस वगैरह सेटअप कर लिया लेकिन अब अगर इसको वहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो ये क्या करेगा ये जाएगा इंडिया की एम्बेसी के पास जो कि बनी होगी कहाँ पे मालदीव्स के अंदर यानी कि इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन करेगा इंडिया की एम्बेसी करेगी इंडिया का जो ऑफिस वहाँ बना हुआ है वो इसकी हेल्प करेगा तो इंडिया ने बोला कि अब हम क्या करेंगे मालदीव्स के अंदर एक नया दूतावास बनाएंगे यानी कि एम्बेसी की फॉर्मेशन करेंगे पूछा गया कायको भैया कायको बनाएंगे वॉटर नीड तो इन्होंने बोला हम एम्बेसी इसलिए बनाएंगे ताकि अगर बाहर की कंट्री से कोई भी यहाँ पर आता है या फिर मान लीजिए कि हमारे देश से अगर कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है मालदीव के अंदर तो उसे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो यानि कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करेंगे दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो रिश्तेदारी है वो आपके साथ में बड़ी अच्छी तरीके से बनी रहे क्योंकि हम तो बन रहे हैं भैया आत्मनिर्भर ध्यान से ये इसके अंदर लिखा हुआ है ये मेरे शब्द नहीं है पता चला सोचो कि मैम ने अपने हिसाब से बता दिया है हम तो बनने जा रहे हैं आत्मनिर्भर तो हम चाहते हैं कि आप मैक्सिमम चीज़ों को कहाँ से मंगाएं हमारे यहाँ से मंगाए यानी कि इंडिया अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है इसलिए उसने कहा कि हम क्या करेंगे ट्रेड को भी इंक्रीज करेंगे अच्छा फिर इन्होंने कहा कि ये सब काम कैसे पॉसिबल है तो इन्होंने बोला कि ये ऐसे पॉसिबल है सबका साथ सबका विकास ये भी मैंने नहीं बोला वो भी इसी आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है तो ओवरऑल यहाँ पे ये सारे काम इसलिए किए गए हैं बेटा प्राइम मिनिस्टर नहीं होता वहां पे ओके अगर प्राइम मिनिस्टर होता होता तो हम बता देते तो ये सारा काम इसलिए किया गया है ताकि इंडिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो सके इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सके और इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन को और भी ज़्यादा बेटर किया जा सके तो एक बेटरमेंट के लिए एमबेसी बनाने जा रहे हैं ठीक है अब आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है एम्बेसी बना लो लेकिन एमबेसी बनाने से क्या कुछ ज़्यादा फायदा हो जाएगा तो सुनिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है हमारे देश की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर ये बोला है कि मालदीव के साथ में हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खास हैं क्योंकि 2015 में जो सबसे पहली विजिट करी गई थी किसकी नरेंद्र मोदी जी की वो श्रीलंका में थी और श्रीलंका के साथ में किस में थी मालदीव्स के अंदर थी और मालदीव्स की लोकेशन कहाँ पर है ये आपको इंडियन ओशन में मिलेगा अब आप समझ जाओ यहाँ पे तुरंत से कि जब हम इंडियन ओशन की बात करते हैं जब हम हिंद महासागर की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ अगर हिंद महासागर के अंदर प्रेजेंट है और अगर वहाँ पे चाइना अपनी टांग लड़ाए पड़ा है तो ओवसिप बात है कि वहाँ पे इंडिया को आ नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडियन ओशन में जो मैक्सिमम टेरिटरीज हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री की हैं और इंडिया हमेशा चाहता है कि उन कंट्रीज़ के साथ में इनके जो रिलेशंस हैं वो क्या हो सकें अच्छे हो सकें और इंडिया फॉलो करता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की पॉलिसी कौन सी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा तो कौन सी वाली सिटी हो जाएगी आडू सिटी कौन सी आडू सिटी आइए जरा बात करते हैं आओ चलें तुम लोग को मालदीव्स लेके कैसा लग रहा है मालदीव्स दिखाई दे रहा है दिस इज मालदीव्स कहेंगे मैम आइसन दूर से कौन जाता है तो भैया देखो इतने कोरोना में यही मिलेगा दूर से देख लिया ना चलो आ जाओ बात करते हैं मालदीव्स की बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट कैपिटल क्या होगी माले होगी यहाँ के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे इब्राहिम सोले अंकल यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे अगला आपको ध्यान होगा कि वंस टाइम मैंने आपको पढ़ाया था ऑपरेशन कैक्टस के बारे में ये ऑपरेशन कैक्टस मालदीव्स के अंदर चला था क्यों क्योंकि जब यहाँ पे कू होने वाला था यानी कि जब यहाँ की सरकार को यहाँ की मिलिट्री हटाने वाली थी उस टाइम पे इंडिया ने इनकी हेल्प करी थी और कौन सा वाला आई आया था आई राजपूत राज करेगा राजपूत कुछ याद आया इसको अभी हाल ही में डी कमीशन भी किया जा रहा है कहां पे इसको डी कमीशन किया जा रहा है विजैक के अंदर ये मैं पढ़ा चुकी हूँ पुरानी कहानी है ओके ठीक हाँ, है बिल्कुल सही है थैंक यू सो मच तनमे चलिए अच्छा तो यहाँ पे क्या हुआ विजैक के अंदर इसको डी कमीशन किया जाएगा अब जब इसको डी कमीशन किया जाएगा तो सबसे बड़ी बात तो आपको यहाँ पे ये समझनी है कि राज करेगा राजपूत जो है ये इंडिया का सबसे पहला डिस्ट्रॉयर था क्या था सबसे पहला डिस्ट्रॉयर और अगर आपसे कहा जाए इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर जो आई बनाया गया उस आई का नाम क्या है आई अरिहंत इसका नाम आपको पता होना चाहिए चलो दूसरी तरफ आ जाओ अब ये तो बात हुई इसके बारे में इंडिया और इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है इसका नाम है इक्वर एक्सरसाइज और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपको ध्यान रखना है मालदीव्स को बोला जाता है किंग्स आइलैंड क्या कहते हैं हम किंग्स आइलैंड के नाम से इसको जाना जाता है और जो इक्वेटर लाइन है जो विश्वत रेखा है वो यहाँ से क्रॉस करते हुए जाती है ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे यूजअली पूछे जाते हैं ठीक है आइए अच्छा तीसरी न्यूज जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉप ट्वेंटी एट के बारे में अब आधो को तो पता नहीं होगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉप तो कॉप का फुल फॉर्म जान लीजिए और इसकी हिंदी मत पूछेगा क्योंकि इसकी कोई हिंदी नहीं है कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अच्छा तो क्या होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ट्वेंटी एट वाली कहाँ पर होगी मुझे क्या पता देखिए टू थाउजेंड अगर हम चलो अभी अच्छा पूरा सिनारियो डिस्कस करेंगे सबसे पहले आप ये जान लो कॉप ट्वेंटी फाइव की अगर हम बात करें तो ये कहाँ हुई थी मेड्रिड के अंदर हुई थी कॉप ट्वेंटी सिक्स की बात करोगे तो ये कहाँ होनी है ग्लासगो के अंदर होनी है कॉप ट्वेंटी सेवन कहाँ होगी पता नहीं कॉप ट्वेंटी सेवन कहाँ होगी अभी पता नहीं तो फिर मैम ट्वेंटी एट कहाँ से आ गई हाँ ट्वेंटी एट के लिए ऑफर आया है क्या आया है ऑफर आया है किसका ऑफर आया है यू का आया है क्या आप लोगों को भी ऑफर का इंतजार है बिल्कुल होगा लेकिन वो कब होगा जब पढ़ाई करोगे और जब पेपर होंगे तब ये चीज होगी तो यहाँ पे अभी रिसेंटली यूएई ने कहा है कि कॉप ट्वेंटी एट का जो आयोजन है वो यू के अंदर किया जा सकता है कौन से ईयर की बात हो रही है अब आते हैं आपको पूरी बात बताते हैं बेटा ये लिख तो दिया सत्ताईस कहाँ पर होगी नहीं पता नहीं बताया गया है ठीक है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है देखेंगे नहीं चलिए कॉप ट्वेंटी की बात करें ओए होए तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आइए कुछ दिन तो गुजारिए गुजारिये कहां पर अबू धाबी में सुनिएगा देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ग्लासगो के अंदर अभी हाल ही में कॉप ट्वेंटी का आयोजन किया जाएगा एक नवंबर से लेकर बारह नवम्बर दो के बीच में इसका आयोजन होना है ऑलरेडी डिसाइडेड है सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये बोला गया कि कॉप ट्वेंटी फाइव जो हुई थी इसको होस्ट किसने किया था चाइना ने इसको होस्ट किया था और सॉरी चाइना कह रहे हैं चिले ने इसको होस्ट किया था लेकिन उसके बाद में इसको शिफ्ट किया गया कहाँ पर स्पेन की कैपिटल मेड्रिड के अंदर कहाँ पर मेड्रिड के अंदर और अब बोला गया है कि कॉप ट्वेंटी सेवन कहाँ होगी अभी तो इसके बारे में नहीं बताया गया लेकिन कॉप ट्वेंटी एट जो होगी उसके लिए यूएई ने कहा है कि आप हमारे यहाँ पे धाबी के अंदर आके इसका आयोजन करा सकते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन ये ऐसा कह क्यों रहे हैं और कौन से ईयर की बात कर रहे हैं तो इन्होंने बोला है कि जो आने वाला समय है दैट मीन्स कि अभी क्या चल रहा है इक्कीस चल रहा है बाईस आएगा फिर तेईस आएगा दैट मीन्स दो में यू ही चाहता है कि इसका आयोजन हमारे यहाँ पे हो अब सवाल ये आता है कि वॉट इज दिस कॉप 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 का मतलब क्या है आदों को तो ये नहीं समझ में आया होगा राइट right? अच्छा कॉप का मतलब क्या है वो अब आपको समझाते हैं ध्यान से सुनिएगा <laughs> कॉप का मतलब ये है कि जैसे कि पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी पेरिस क्लाइमेट डील कब हुई थी 2015 में हुई थी इसका नंबर कौन सा था कॉप ट्वेंटी कॉप का मतलब ये होता है कि जितने भी ऐसे देश हैं जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम क्या करेंगे मिलकर काम करेंगे उसी के लिए यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब देशों का समूह ठीक है अब इसी कॉप की अगर पूछा जाए कि सबसे पहली बैठक कहां पर और कब हुई थी तो इसकी सबसे पहली मीटिंग हुई थी 1995 में और यह बैठक कहां पे हुई थी बर्लिन के अंदर हुई थी कहां पे बर्लिन के अंदर अच्छा अब आप मुझे आंसर करके ये बताओ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कॉप का आयोजन भारत के अंदर हुआ है ध्यान से आंसर करिएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कहा है ये जो कॉप होती है किसके लिए होती है क्लाइमेट चेंज के लिए तो इसका आयोजन कौन करेगा तो इसका आयोजन किया जाता है यू एन एफ डबल सी के द्वारा नहीं बल्कि ट्रिपल सी कौन है ये सुनिएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्या है लिख लेना छाप लेना पेपर में पूछ सकते हैं वॉट इज द फुल और वहीं पे भैया बंटाधार हो जाएगा चलिएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क है क्या है ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है मतलब एक प्लान किया गया है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज तो ये क्लाइमेट चेंज की बात करता है इंडिया में हुआ है क्या देखो आधो का आंसर आ रहा है यस आधो का आंसर यस आया है आखिरी बार कब पिटे थे ये बताना कब इंडिया के अंदर कॉप क्लाइमेट चेंज के लिए हो गई कौन पढ़ा दिया तुमको बेटा कहां से पढ़ के आयो वो सीएमएस थी वो माइग्रेटरी स्पीशीज थी पक्षियों के लिए थी अरे मेरे प्रभु चलो पहले दुबई घूम लो वरना कहोगे दुबई दुबई नहीं घुमाया चलो पहले घूम ले फिर इंडिया के बारे में बात करते हैं तो दिस इज अच्छा लोगे की कैपिटल क्या हो जाएगी अबू धाबी होगी यहाँ की करेंसी क्या बनेगी दिर्म यहाँ की करेंसी हो जाएगी जो दुबई नाम की जगह है वो यहाँ की सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया आपको यहाँ पर मिलता है अगर हम आई की बात करें तो थर्टींथ वाला जो एडिशन हुआ था आई का उसका आयोजन यहीं पर हुआ था और अभी जो फोर्टीन्थ वाला एडिशन चल रहा था हमारे देश के अंदर उसके जो बचे हुए मैचेस हैं उसको बोला जा रहा है बीसीसीआई के द्वारा कि पॉसिबिलिटीज हैं कि सितंबर में उसका आयोजन भी कहाँ पर हो जाएगा यूएई के अंदर होगा यूएई का मिशन जिसका नाम क्या है होप मिशन अगर आपसे ये कहा जाए कि यू जो है क्या वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यू ने कहा कि हम इसको होस्ट करेंगे और यहाँ पे चांसेस हो गए कि यही हाँ हाँ ठीक है यहीं पे इसका आयोजन होगा जी हाँ इंपॉर्टेंट है क्या इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी अरब देश हैं इसराइल है टर्की है सऊदी अरेबिया है, है जितने भी अरब देश हैं उसमें से सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री है जो कि कॉप का मेंबर है जो कि क्या है कॉप का मेंबर है इसलिए यहाँ पर कॉप को यहाँ ऑर्गेनाइज करने की बात चल रही है अच्छा अब ये तो बात हो गई इसके बारे में कि यूए के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा व्हाट अबाउट कॉप जो दूसरी वाली कॉप के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो कौन सी है कॉप थर्टीन अब जरा सुनना ये दूसरी वाली कॉप है ये वाली कॉप नहीं है ये कौन सी कॉप है इसको कहते हैं सी और इसका दूसरा नाम क्या है बॉन कन्वेंशन अब ये है क्या ये है कन्वेंशन एक बैठक किसके लिए माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए, लिए। यानी कि जो ऐसे प्रवासी पक्षी होते हैं जो भारत के अंदर आते हैं उनके लिए यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है और हमारे देश के अंदर इसका आयोजन कब किया गया था कहाँ किया गया था तो जरा इसको जानिएगा कब किया गया था मतलब ये बताना पड़ेगा और कहाँ किया गया था ये भी बताना पड़ेगा गुजरात गुजरात में कहा गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ था इम्पोर्टेंट वन और इसके अंदर जो मैस्कॉट था यानी कि जो इसमें आपने देखा होगा ना कि जो शुभांकर था जो मैस्कॉट था वो मैस्कॉट क्या था वो था यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर था इसका निक नेम क्या था गिवी क्या नाम था गिवी ठीक है तो बेटा ये ध्यान रखना कि वो जो कॉप है क्लाइमेट चेंज वाली वो आज तक हमारे यहाँ पर नहीं हुई है लेकिन जो ये सीयूपी वाली है ये यह हमारे यहाँ पे दो बार हो चुकी है एक बार दिल्ली के अंदर हो चुकी है और दूसरी बार कहां हुई है गुजरात के अंदर हुई है ये सी एम एस है माइग्रेटरी स्पीशीज है इस पर कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा बात समझ में आ गई दोनों में क्लियरिटी हो गई आपको <laughs> बिल्कुल सही है दोनों में क्लियरिटी हो गई अब दोनों में क्या नहीं करना है आपको कंफ्यूज नहीं करना है अच्छा अब कंफ्यूज नहीं करना है ठीक है हाँ तो मैंने ही तो पढ़ाया था कि इंडिया में नहीं हुआ था मैंने कब बोला कि इंडिया में हुआ है अरे भाई ये अलग है ये पक्षियों के लिए है और वो किसके लिए क्लाइमेट चेंज के लिए अच्छा अगर तुमसे सवाल में ये पूछा जाता है कि चलो ठीक है ये तो कहानी हो गई लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर जो है ये कौन से स्टेट की स्टेट बर्ड है तो आप आंसर करोगे ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है कहाँ की राजस्थान की स्टेट बर्ड है और ये जो बॉर्न नाम की जगह की हम बात आपसे कर रहे हैं ये कहाँ है जर्मनी के अंदर है और अगर तुमसे पूछा जाए यू एन एफ ट्रिपल सी का मुख्यालय कहां पर है तो यह भी आपको मिलेगा कहा बॉन के अंदर और बॉन कहा है जर्मनी के अंदर समझ गए तो प्लीज आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर करके आओगे 2019 में बोला गया था कि इसका आयोजन होगा दो हजार की स्टार्टिंग तक इसका आयोजन चला था मतलब लास्ट में हुआ था दिसंबर के टाइम पे राइट चलिए अच्छा अब आते हैं यहाँ पे कुछ और बातें कर लेते हैं अगर आपसे कहा जाए कि क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सी एक प्रोटोकॉल साइन करी गई है आप कहेंगे क्यूटो प्रोटोकॉल साइन करी गई है अगर आपसे कहा जाए कि ओजोन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है या फिर वियना कन्वेंशन वियना कन्वेंशन का ही नाम अभी हाल ही में चेंज करके क्या किया गया है प्रोटोकॉल रखा गया है सेल्फी म्यूजियम भी है यहाँ पे बिल्कुल सही बात है <laughs> करेक्ट है चलो अच्छा अब पॉइंट यहाँ पर ये आया कि ये तो हमने दोनों बातें कर ली ले, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाता है कि ये जो ग्रेट इंडियन बॉस्टर मैंने आपको बताया है आई की लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में आता है तो ये क्रिटिकली इनडेंजर्ड में आता है किसमें आता है क्रिटिकली इनडेंजर्ड के अंदर आता है ठीक है ना गाइज प्लीज एक बार से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मैं ये चीज़ कहना भूल जाती हूँ बट दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके लिए कोई यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा है देन दिस इज द योर मतलब एक होता है ना कि यार ठीक है मतलब एक बार कह दिया तो वो काम तुम लोग कर लिया करो ओके चलो आ जाओ भैया बात करें विषक फेस्टिवल ये विषक फेस्टिवल क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ कल कितने लोगों ने सुपर मून देखा सच्चाई से बताना कोई झूठ नहीं बोलेगा अच्छा विशक फेस्टिवल जो होता है ये ग्लोबल लेवल पर मनाया जाता है मतलब पूरी दुनिया के अंदर इसका आयोजन किया जाता है इंडिया में भी होता है तिब्बत में भी होता है चाइना में भी होता है श्रीलंका में भी होता है इवन मंगोलिया में भी होता है ठीक है इससे हम क्या कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा अच्छा भारत के अंदर कौन से मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था आपको मिनिस्ट्री का नाम बताना है तो ये कौन सी मिनिस्ट्री होगी कल्चरल मिनिस्ट्री ने इसका आयोजन किया बहुत अच्छी बात है मंत्रालय किसके पास में प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास में आपको ये मंत्रालय मिलता है ठीक है अब सवाल ये आया कि ये है क्या ये देखिए यहाँ पे दुख इस बात का है ये जो दुख आप देख रहे हो ना ये दुख इस बात का है यहाँ पर कि ये जो विशेष फेस्टिवल हुआ ये वर्चुअल फॉर्म में हुआ वर्चुअल फॉर्म का मतलब यह हो गया कि यहाँ पर सारी चीजें ऑनलाइन हुई कहीं पे कोई जा नहीं पाया इस चीज़ का थोड़ा सा दुखड़ा था और ये ध्यान रखिएगा कि विषक फेस्टिवल जो है वो गौतम बुद्ध जी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं आइए जरा बात करते हैं ये देखिए गौतम बुद्ध जी के बारे में ठीक सुनना कायदे से सुनना सारे फैक्ट को देखो पहला पॉइंट तो यहाँ पर यह है कि इंडिया के अंदर जो इसका आयोजन किया गया इसको होस्ट किसने किया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कब सेलिब्रेट हुआ ट्वेंटी सिक्स ऑफ मे को इसका आयोजन किया गया कौन सी मिनिस्ट्री ने किया तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसका आयोजन किया बहुत अच्छी बात है इसे हम क्या कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं वेरी गुड क्या तिब्बत में भी होता है जी हाँ मंगोलिया में जी हाँ श्रीलंका में जी हाँ चाइना में अरे हाँ भाई यहाँ तो यहाँ पे ये यह ध्यान रखिएगा कि इन सब जगह पे इसका आयोजन होता है बहुत अच्छी बात लेकिन अब आता है पॉइंट कि ये जो बुद्ध पूर्णिमा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 1999 में डिसाइड किया गया था कि हम एक ऐसा दिन मनाएंगे जिसमें हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि गौतम बुद्ध जी से जुड़ी होगी कौन कौन सी बातें सबसे पहला एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति अच्छा इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी बौद्धि ट्री और ये बौद्धि ट्री कहाँ पर है गया बिहार के अंदर इसकी लोकेशन है अच्छा दूसरी क्या बात करेंगे दूसरी बात करी जाएगी इनके जन्म के बारे में कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था तो इनकी बर्थ कहाँ हुई थी लुम्बिनी के अंदर हुई थी लुम्बिनी कहाँ है नेपाल के अंदर है अच्छा तीसरी कौन सी बात हम यहाँ पे करेंगे तो तीसरी इंजीनियर बिल्कुल सही है अगर यहाँ पे हम तीसरी बात करेंगे तो तीसरा कौन सा हो जाएगा इनकी डेथ के बारे में यानी कि जिसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाणा ये क्या है इनका वो समय जब इन्होंने आखिरी सांसें ली थी यानी कि जब इनकी डेथ हुई थी तो इनकी डेथ कहाँ हुई थी कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी तो ये जो पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है इसका आयोजन किया जाता है कब जब होता है फुल मून डे क्या होता है जब होता है फुल मून डे तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इन सब के बारे में डिस्कशन होता है बहुत अच्छी बात है अब हम बात करेंगे किसके बारे में गौतम बुद्ध जी के बारे में क्योंकि कहानी तो खत्म हो नहीं जाएगी और गौतम बुद्ध जी जब आए हैं तो इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट हो जाते हैं ना सुनिएगा इनके बारे में सबसे पहला पॉइंट इनका जन्म कब हुआ था तो 563 सिक्सटी है मतलब उल्टा चलना पड़ेगा हमको ठीक है अगर पूछा जाए कि इनकी डेथ कब हुई थी तो इनकी डेथ कब हुई है इस टाइम पे हुई है कुशीनगर कहाँ पर है जरा बताना कुशीनगर कुशीनगर की लोकेशन कहां पर है भैया पेरिस क्लाइमेट डील क्या है आज क्लास में पहली बार हो बेटा क्लास में रोज आओगे तो ऐसे सवाल नहीं पूछने पड़ेंगे अब पेरिस क्लाइमेट डील 2015 में हम लोग को वापस जाना पड़ेगा जिसमें कहा गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना लो और इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रांस और इंडिया ने मिलकर बनाई थी चलो कुशीनगर कहाँ है भैया यूपी के अंदर है ठीक अच्छा इन्होंने अपना सबसे पहला जो सरमोन दिया था यानी कि इन्होंने जो अपना सबसे पहला उद्देश्य मतलब कहते ना कि स्पीच दी थी इन्होंने कुछ ज्ञान की बातें करी थी वो कहाँ पे वो सारनाथ के अंदर सानाथ कहाँ पर है ये आपको वाराणसी के पास में देखने को मिलेगा और जब इन्होंने सबसे पहला अपना उद्देश्य दिया था तो उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन क्या कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन क्योंकि यही वो समय था जब दुनिया में चीजों को ये बदलना चाहते थे इन्होंने कहा कि जो भी चीजें दुनिया में हो रही हैं उन सबका कारण क्या है कौन बताएगा देखें कौन इसका आंसर करके बताएगा कि दुनिया के अंदर जो भी सब चीजें चल रही हैं इन सब चीजों का रीजन क्या है लेकिन ध्यान से बताना आंसर मेरा सवाल ये है कि एज पर स्टेटमेंट ऑफ गौतम बुद्ध जी आपको बताना है कि दुनिया में आज के समय पे जो भी समस्याएं हैं जो भी प्रॉब्लम है इन सबका रीजन क्या है इन सबका रीज़न है डिजायर आकांक्षाएं हमारी अभिलाषाएं है ना तो सुनिएगा यहाँ पे ध्यान से कि जो हमारी डिजायर है वो क्या है वही यहाँ पर सबसे बड़ा दुख का कारण है और इसके लिए क्या दिए गए थे एट फोल्ड्स दिए गए थे क्या दिए गए थे एट फोल्ड्स दिए गए थे अच्छा इनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी तो ये कितने साल के थे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इनकी डेथ हुई थी जब ये कितने साल के थे अस्सी साल के थे तो सब मोह माया है कहीं धूप कहीं छाया है उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा अच्छा ये तो कहानी हो गई कि हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए लेकिन 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 इनके लिए ये ध्यान रखिएगा कि चार काउंसिल हुई थी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ए के की ट्रिक्स है यानी कि पहली वाली जो काउंसिल होती है उसको कौन आयोजित कराता है शत्रु कहाँ पे राजगृह के अंदर दूसरा है यहाँ पे के कैसे क्या हो जाएगा काला शोक और कहाँ पर होती है वैशाली के अंदर और तीसरी लिखी है ए दैट मीन्स अशोका के द्वारा इसका आयोजन होता है अशोका कहां करेगा पाटलिपुत्र में करेगा ऑब्वियस सी बात है तो पाटलिपुत्र में इन्होंने किया और आखिरी के क्या लिखा हुआ है कनिष्क और कनिष्क ने इसका आयोजन पे किया कश्मीर के अंदर कहां पे कश्मीर के अंदर इसका आयोजन किया गया अच्छा अब ये तो सब बातें हो गई लेकिन अब जरा हम इसकी जीके के बारे में बात करते हैं जीके में क्या बात करेंगे सुनिएगा जीके में हम बात करेंगे वो सारी यूनेस्को साइट्स जो कि जुड़ी हुई हैं बौद्ध धर्म के साथ में इसकी एक लिस्ट बना लो क्योंकि आपके लिए ये काम की है है ना सुनिएगा सबसे पहले क्या है नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पहले क्या है नालंदा यूनिवर्सिटी इसको किसने बनवाया था कुमार गुप्त वन के द्वारा ये कहाँ है राजगीर के अंदर है दैट मीन्स बिहार के अंदर है दूसरी जगह कौन सी हो जाएगी सांची स्टूपा क्या है सांची स्टूपा ये कहाँ है एमपी के अंदर है तीसरा हो जाएगा महाबौद्धि टेम्पल और ये कहाँ मिलेगा ये आपको गया बिहार के अंदर मिलेगा और चौथी जगह जो आपको यहां से याद रखनी है वो क्या है अजंता की गुफाएं और ये कहाँ है औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर क्या है औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर तो ये चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है हाँ चाइना के अंदर भी हो सकता है ठीक है मे बी पॉसिबिलिटीज है चाइना के अंदर <laughs> समझे तो हमारी गलतियां बिल्कुल भी नहीं है मो माया ऐसा भाई सुनो आज के टाइम में अगर यहाँ पर आपकी कोई डिज़ायर नहीं है अगर आपकी कोई सोच नहीं है तो फिर आप भी जानते हैं है ना तो वो उन्होंने उनके थाट्स से जो उन्होंने बताया लेकिन ये सब होता कब है जब होता है <coughs> फुल मून डे आ जाओ भैया बात करते हैं कितने लोगों ने आज देखा मैंने तो भैया आज सुबह देखा सच्चाई से मैं बताऊं मैंने तो आज सुबह सुबह देखा फुल मून डे को ये होता है ठीक है आइए जरा बात करते हैं इसे देखो कुछ अलग अलग नाम दिए गए ये क्या था सुपर मून इसको नाम क्या दिया गया सुपर मून इसको नाम दिया गया इसको एक और नाम दिया गया फ्लावर मून क्या नाम दिया गया फ्लावर मून भाई ये सब हो क्यों रहा था ये चल क्या रहा था सुनिएगा इस साल का सबसे अनोखा दिन था कल क्यों था सुनिएगा इसमें कल फुल मून डे भी था और इसके साथ में कल चंद्र ग्रहण भी था यानी कि लूनर एक्लिप्स भी था और ऐसा छह साल बाद हुआ है कि जब फुल मून भी रहा है और लूनर एक्लिप्स भी आया है कितने साल बाद छह साल बाद आपको ये घटना देखने को मिली है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि चंद्र ग्रहण से मतलब क्या होता है और यहाँ पे इसका क्या रीजन है जरा पढ़ते हैं ये देखो कैसा लग रहा है पूरी दुनिया भर में कुछ इस तरीके से कल चंद्रमा देखने को मिला है ना चांदनी रात जो थी यहाँ पर आप जरा इसके बारे में पढ़ाई भी कर लो बहुत चांदनी रात की बातें कर रहे हो सुनिएगा अगर आपसे कहा जाए कि जब मैंने आपको कहा लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण तो मतलब क्या होगा सन होगा फिर अर्थ होगा और फिर मून होगा ऐसी ही तो कंडीशन बनती है लेकिन जब मैं आपको कहूंगी सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा पहले सन होगा फिर मून होगा और फिर अर्थ होगी इस तरीके से होता है अच्छा तो फिर ये फुल मून का कॉन्सेप्ट क्या है फुल मून का कॉन्सेप्ट ये है कि जब पृथ्वी के सबसे पास में चंद्रमा आ जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं उस कंडीशन को कहा जाता है पेरिजी क्या कहते हैं हम पेरिजी यानी कि सपोज करो ये अर्थ है और ये मून है जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम हो जाता है कितना हो जाता है थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड किलोमीटर्स ये मिनिमम डिस्टेंस है ठीक है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या पेरिजी लेकिन जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है जब वो बहुत ज्यादा हो जाती है मैक्सिमम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं उस कंडीशन को कहा जाता है एपोजी और ये डिस्टेंस कितना होता है ये डिस्टेंस होता है करीबन यहाँ पे चार लाख पांच हजार किलोमीटर का इसे हम क्या कहते हैं एपोजी यानी कि उपभू और अपभू क्या होता है ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है लेकिन ये तो बात हो गई यहाँ पे कि हाँ ये सारी कंडीशन होती है लेकिन 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 अगर तुमसे पूछा जाए कि किलियोन और पेरी क्या होता है ये किसके बीच की दूरी के बारे में बात करता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ पटाख से कर जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए कि इसको हम क्या बोलेंगे राइट अरे वाह ने डेट्स भी बता दिए वेरी नाइस पहले ही बता लिए चलो अच्छी बात है पेरी और एपी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सूरज की दूरी कितनी है और हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जब ये अर्थ के सबसे पास में होता है तो इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो थर्टी परसेंट ज़्यादा बड़ा हमें नज़र आता है इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है सुपर मून है फुल मून है ठीक आप किसी को बोल मत देना चांद मुझे आया है नज़र चांद हमेशा होता है चांद कहीं नहीं जाता है सिर्फ उसके पास आने और दूर जाने का फर्क होता है चलो आगे चले वेरी नाइस बहुत बढ़िया सब ने आंसर कर लिया अगली न्यूज है यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में खतरनाक बात आई है यहाँ पे क्या बात आई है आओ जानेंगे देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बोला जा रहा है कि इस साल भारत के पास में जितनी एफ आई है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है वो अब तक का सबसे मैक्सिमम है वो अब तक का सबसे मैक्सिमम है और इंडिया में सबसे ज्यादा एफ डी आई कहाँ से आता है तो इसका आंसर बनेगा सिंगापुर से कहा से सिंगापुर से अब आओ जरा इस बात को समझते हैं कि पूरी कहानी है क्या है ना देखो जब मैंने आपसे कहा एफ डी आई एफ डी आई का मतलब क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि सपोज करो जैसे कि हमारे क्लास के अंदर अभिषेक है हाँ भैया पाकिस्तान भी आएगा जैसे कि हमारे क्लास में अभिषेक है अब अभिषेक जो है वो एनआरआई है क्या है एनआरआई है एनआरआई का मतलब ये हो गया कि वो बाहर के किसी देश के अंदर रहता है लेकिन इसने कहा कि भाई अब मैं क्या करूंगा मैं अपनी कंपनी खड़ी करूंगा तो इसने अपनी कंपनी बना ली और कंपनी बनाने के बाद में ये इंडिया के अंदर आया और इसने कहा कि मैं क्या करूंगा यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करूंगा तो अगर इंडिया की कोई भी कंपनी है जिसके टेन से ज्यादा के शेयर अगर अभिषेक ने खरीद लिए हैं तो इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि फॉरेन की कंट्री से डायरेक्टली अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो क्या कहलाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है एफ के दो रूट होते हैं एक होता है बॉम्बे रूट एक होता है दिल्ली रूट अभी कौन सा वाला सिर्फ काम कर रहा है अभी सिर्फ ये वाला काम कर रहा है इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है क्या कर दिया गया है पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया चलो ठीक है लेकिन अब सवाल यहां पे ये आता है कि इंडिया के अंदर ये इतना सारा एफ आया कहाँ से सवाल आएगा दिल में कि नहीं आएगा बिल्कुल आएगा ना तो सुनिएगा दिल में इस सवाल को मत रखिए इसका जवाब हम दे देते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था कि इंडिया ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है इंडिया ने इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को चेंज किया है इसलिए यहाँ पर ये यह सब चीजें हुई हैं और इंडिया के अंदर जो रेड टेपिज्म है यानी कि किसी भी काम को करने के लिए जितना एक्स्ट्रा समय लगता था उस एक्स्ट्रा समय को कम कर दिया गया जिसके चलते भारत के अंदर इतना ज्यादा एफडीआई आया ठीक है अब इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से आया सिंगापुर से दूसरे नंबर पे कौन है यूएसए तीसरे नंबर पे कौन है मॉरिशियस ये तीन टॉप थ्री कंट्रीज हैं जहां से सबसे ज्यादा पैसा कहां पर आया भारत के अंदर आया बहुत अच्छी बात है लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये तो ठीक है लेकिन कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा पैसा आया तब आंसर क्या करोगे तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जो पैसा है वो कहां आया है गुजरात में क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कुछ दिन तो गुजारिए अमित क्या कहा था अच्छा सवाल जो दिमाग में आता है मुझे नहीं पता था कि सवाल जो है वो दिमाग में आता है मुझे लगा सवाल दिल में आया है माफी भाई, माफी भाई मेरी गलती है गलती हो गई भाई मेरे से ठीक है गलती हो गई प्रदीप ओके सुनिएगा गुजरात में सबसे ज्यादा इस बार का एफ आया है और ये जो एफडीआई आया है ये कितना परसेंटेज है वैसे परसेंटेज आपसे नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी फॉरन नॉलेज मालूम होना चाहिए कितना थर्टी सेवन परसेंट आया है. अगर आपसे कहा जाए कि दूसरा स्टेट कौन सा है जहाँ पे सबसे ज्यादा एफ आया तो वो है महाराष्ट्र 27% परसेंट और तीसरा जो राज्य है वो है कर्नाटका और कितना परसेंट यहाँ पे 13% परसेंट कितना 13% परसेंट तो ये ध्यान रखिएगा ये तो एफ की बात हो गई लेकिन रेमिटेंसिस कौन बताएगा यानी कि जो गोलू है गोलू रहता है इसराइल के अंदर और उसकी फैमिली रहती है केरला के अंदर तो गोलू वहां से कुछ पैसा भेजेगा ना तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज आते हैं और इसके बारे में किसने बताया वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने बताया और इंडिया में जो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज आते हैं इसमें यह ध्यान रखिएगा मैक्सिमम कहाँ से आएगा मैक्सिमम कहाँ से आएगा ये कौन आंसर करके बताएगा जल्दी बताओ अच्छा तो ये तो इसके बारे में बात हो गई लेकिन अगर तुमसे ये पूछा जाए कि जो फॉरेक्स अकाउंट होता है इस फॉरेक्स अकाउंट के अंदर कौन कौन सी करेंसीज वगैरह आती हैं या फिर एस में कौन कौन सी करेंसीज आती हैं तो डॉलर आता है यूरो आता है रेन में भी आती है येन आती है और पाउंड स्टर्लिंग आती है ये पांच करेंसीज जो है वो आपको याद रखनी है बट डेवलप भाई देखो एफ आ रहा है बस हमें उससे मतलब रखना है डेवलपमेंट होगा 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 डेवलपमेंट होगा हैव सम पेशेंस ओके अगला बताइए इसमें से कौन सी ऐसी करेंसी है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एस डी आर यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देती है अगर सपोज करो कि किसी कंट्री को कोई पैसा चाहिए अब वो पैसा कहाँ से आएगा तो वो पैसा कई बार जब लोन लेना होता है तो हम क्या करते हैं आईएमएफ के पास में जाते हैं आईएमएफ पैसा कहा से देता है स्पेशल ड्राइंग राइट से देता है तो इसके अंदर कौन सी करेंसी नहीं आती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दिनार जो है वो इसका हिस्सा नहीं है कौन कौन सा इसका हिस्सा है वो भी बता दिया अच्छा ये भी सुन लो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अभी आपको याद होगा कि एफ को सेवेंटी कर दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट और एयर इंडिया के केस में एफ को पूरी तरीके से बढ़ा के हंड्रेड कर दिया गया है दोनों में से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं अगला बताओ हाउ मेनी इंटरनेशनल करेंसीज आर देयर मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर कितने तरीके की करेंसीज हैं? तो इसका आंसर क्या बनेगा इसका आंसर हो जाएगा टोटल 180 एटी करेंसीज हैं पूरी दुनिया के अंदर ठीक है चलो अच्छा आगे बात करते हैं शेक्सपियर आए हैं थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ाई कर लीजिएगा विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ न्यूज है विलियम शेक्सपियर कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे जी हाँ अब तो थे शब्द ही लगाना पड़ेगा है ना और ये थे शब्द क्या है वो क्या है वो ये है कि ये यूके से बिलोंग करते थे अच्छा क्या हो गया है ये देखो दुनिया के सबसे पहले मैन ध्यान से कहानी को ध्यान से सुनिएगा दुनिया के सबसे पहले मैन जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया था उनकी कल डेथ हो गई अब तुम कहोगे ओ आम जी यानी कि मैम वैक्सीनेशन से सच में डेथ हो रही है हमें लग रहा था अब तक मजाक था नहीं भाई यूके ने यहाँ पे इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया है कि इनकी जो डेथ हुई है इनकी डेथ होने का जो कारण था वो कारण कहीं से भी ये नहीं था कि वैक्सीनेशन इनका हुआ था इसलिए इनकी डेथ हुई नहीं इन्होंने बोला कि ये काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और इनकी जो एज थी वो 81 इयर्स थी इसलिए इनकी क्या हो गई है डेथ हो गई है तो जरा इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं देखिए ये विलियम शेक्सपियर वो नहीं है जिन्होंने कहा था नाम में क्या रखा है ये वो वाले विलियम शेक्सपियर नहीं है ठीक है अभी यहाँ पे इन्होंने यूके के अंदर जो वैक्सीन लगवाई थी वो वैक्सीन कौन सी थी फाइजर वैक्सीन थी और ये पूरी दुनिया के सबसे पहले मैन थे जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया था राइट अच्छा अब इन्होंने वैक्सीनेशन करवाया कहाँ पे यूके के अंदर तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि सबसे पहला पर्सन पूरी दुनिया में कौन था जिसने वैक्सीनेशन कराया कमेंट बॉक्स में आंसर आंसर करके बताओ देखें कौन करता है उनका नाम क्या था? उनका नाम था क्या नाम नाम क्या क्या था 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 मार्गरेट कीर्ति यार देखो आ, लाइव क्लास का प्रॉफिट ये होता है कि यू कैन मेक योर नोट्स अब बाद में तुम क्लास को लेके बैठोगे फिर नोट्स बनाओगे तो इट्स बेटर क्लास के साथ में ही कर लो है ना मार्गरेट कैनन ये कौन थी ये सबसे पहली पर्सन है जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं है ना तो ये कौन है इनका सबसे पहले वैक्सीनेशन हुआ था बहुत अच्छी बात है लेकिन जब हम शेक्सपियर जी की बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा रॉल्स रॉयल गाड़ी का नाम सुने हो ये जो कंपनी है इस कंपनी के अंदर भी इन्होंने काफ़ी सालों तक काम किया था और अभी ऐसा भी बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ पे जो वैक्सीन वगैरह आने की बातें हो रही हैं तो हमारे यहाँ पे वाली जो वैक्सीन है, ये 2022 तक हमारे देश के अंदर आ जाएगी अब किसी को ये मत बोल देना कि इनकी जो डेथ हुई है वो वैक्सीनेशन से हुई है ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है सीधे सीधे यूके के अंदर जुल्फे जिनकी बड़ी लहराती हैं, याद है ना बोरिस जॉनसन बोरिस जॉनसन ने यह बोला है कि यहाँ पर इनकी जो डेथ हुई है वो बीमारी की वजह से हुई है यहाँ पे वैक्सीन का कोई भी लेना देना नहीं है चलो ठीक है समझ में आगे बात लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाए कि हमारे देश का सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने वैक्सीनेशन कराया था तो आंसर हो जाएगा मनीष कुमार अब सुनना ध्यान से ठीक है ना अब सुनना ध्यान से हमारे देश के अंदर कोवैक्सीन है हमारे देश के अंदर कोविड शील्ड भी है लेकिन अभी डब्ल्यू एच ओ ने कोवैक्सीन को, को अप्रूवल नहीं दिया है जिसकी वजह से अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने कोवैक्सीन को लगवाया है तो वो इंटरनेशनल विजिट्स नहीं कर सकता यानी कि अगर वो बाहर के किसी देश में जाना चाहता है तो वो वहाँ पर नहीं जा सकता बात समझे सेकेंड पॉइंट हमारे देश की सरकार के द्वारा ये चीज़ कह दी गई है कि चाहे आपने कोवैक्सीन लगवाई हो चाहे आपने कोविड कोविडशील्ड लगवाई हो यू आर फ्री क्या है आप फ्री हैं आप वहां पे जा सकते हैं जहां कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं ठीक है तो मनीष कुमार का जो नाम है वो क्या करना है आपको याद रखना है ठीक है ना चलो अच्छा अब ये तो बात हो गई पहला व्यक्ति भारत के अंदर जिसने वैक्सीनेशन अपना करवाया आओ भैया दिल्ली एम्स के अंदर करवाया था अगली न्यूज अंकुर योजना अब कोई हमसे ना ये पूछना कि मैम ऐसी ऐसी योजनाएं क्यों आ रही है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है इसको कहाँ लॉन्च किया गया आप इसका आंसर करके बताओ सबसे पहले देखो एक ऑप्शन लिखा हुआ है यूके This is what? उत्तरा खंड उत्तराखंड उत्तराखंड के अंदर अभी हाल ही में मिशन हौसला योजना को लॉन्च किया गया था इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ पे अभी आया था ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस इसको लॉन्च किया गया और अंकुर योजना जो है ये कहाँ पे लॉन्च करी गई एम के अंदर इसको लॉन्च किया गया अच्छा क्या है ये योजना क्या है ये योजना देखिए आपको नजर आ रहे हैं शिवराज चौहान जी शिवराज चौहान जी ने कहा है कि अगर आप पेड़ पौधा लगाएंगे अगर आप पेड़ पौधा लगाएंगे तो हम आपको अवार्ड देंगे क्या करेंगे हम आपको अवार्ड देंगे ऐसा बोला है किसने यहाँ पर सीएम ने कहा के सीएम एमपी के सीएम तो आइए जरा इस योजना के बारे में जानते हैं सबसे पहला पॉइंट कि ये जो अंकुर योजना है ये लॉन्च किसने करी है एमपी <coughs> के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और एमपी में किसने इसको लॉन्च किया यहाँ के जो सीएम है यानी कि शिवराज चौहान जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया इसमें यह बोला गया है जिस तरीके से फिफ्थ ऑफ जून को हम एनवायरमेंट डे मनाते हैं और उसी डे पे हमने लॉन्च किया था थैंक्स मॉम क्या लॉन्च किया था थैंक्स मॉम लॉन्च किया था बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे पेड़ लगाने की बातें बोली गई हैं यानी कि छोटा सा पौधा आपको लगाना है और उस पौधे को अगर आप लगाएंगे तो क्या होगा ऑक्सीजन बढ़ेगा ना अब लोगों को समझ में आ रही है बात जब कहा जाता था कि पेड़ ना काटो ना काटो ना काटो तब तो समझ में नहीं आता था अब समझ में आ रहा है कि ना ना हम तो पेड़ लगाएंगे पेड़ लगाएंगे और जब आप ये पेड़ लगाएंगे तो आपको एक अवार्ड भी दिया जाएगा अवार्ड का नाम भी सुन लो क्या है अवार्ड का नाम है प्राण वायु एवॉर्ड क्या है प्राण वायु एवॉर्ड ये अवॉर्ड दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो क्या करेगा पेड़ लगाएगा चलो अच्छा दूसरा पॉइंट अब अगर पूछा जाए कि अगर आपने पेड़ लगा लिया तो सरकार को कैसे पता चलेगा तो इसके लिए बोला गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एक ऐप के ऊपर और उस ऐप का नाम क्या है वायु दूत ऐप तीन चीजें निकल के आई हैं सबसे पहले योजना का नाम दूसरा अवार्ड का नाम तीसरा यहाँ पे ऐप का नाम ये तीनों आपको यहाँ पे याद रखने हैं एम के अंदर इसको लॉन्च किया गया है अब देखो आगे की बात करते हैं और यहाँ पे आते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या होगा रिसेंटली आपने देखा था कि जो जल अभिषेकम नाम की योजना है उसको लॉन्च किया गया कहां पर एम के अंदर किल कोरोना इसको लॉन्च किया गया यहाँ पे रोको टोको अभियान वो भी यही का है और इसके साथ में कंपनसेशन स्कीम जो लॉन्च करी गई थी वो भी यहीं की हो जाएगी और अगर आपसे पूछा जाएगा कोरोना वॉरियर ये योजना कहाँ की है तो ये योजना भी यहीं की है अब हम देखेंगे इसका जीके का पार्ट क्या देखेंगे इसका जीके का पार्ट जीके में क्या क्या आता है भैया भोपाल आएगा सबसे पहला तो आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि ब्लैक फंगस के लिए जो सेंटर लगाना है वो सेंटर कहाँ पे लगेगा इसी जगह पे लगेगा कहाँ भोपाल के अंदर अगर तुमसे ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ है तो फर्स्ट ऑफ नवम्बर नाइनटीन को इसका गठन हुआ टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है टू थर्टी हो जाएंगी और अगर कहा जाता है लोकसभा और राज्यसभा सीटें तो वो भी बता सकते हो यहाँ पे आपको सांची स्टूपा देखने को मिलेगा इसी के साथ में आपको सतपुरा <coughs> सतपुरा नेशनल पार्क याद है ये खा गए हो बिल्कुल सही है सतपुरा नेशनल पार्क यहाँ पे मिलेगा जिसको अभी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर रखा गया अगला क्या होगा कनू नेशनल पार्क नेशनल पार्क के अंदर किसको लाया जाएगा लेपर्ड को लाया जाएगा कहां से साउथ अफ्रीका से वो भी कहां पर है चंबल की घाटी में कहाँ है चंबल की घाटी में है तो ये ध्यान रखिएगा राइट अच्छा अब बात तो यहाँ पर यह आ गई कि कितनी सारी चीजें हैं लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इंतजार आपका इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया था तो वो बताओ अच्छा एक चीज और है, भोपाल गैस ट्रेजिडी आई होप कि आपने ये नाम सुना होगा ये जो हुआ था ये कब हुआ था 1984 में हुआ था और इसमें कौन सी वाली जो गैस थी वो लीक हुई थी तो आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट और ये ध्यान रखिएगा कि कंपनी का नाम क्या था तो यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था दैट लोकेटेड इन भोपाल ओके चलो अच्छा अब बताओ वत्सल्य <coughs> योजना अभी हाल ही में कौन से स्टेट में लॉन्च करी गई इसका आंसर बनेगा उत्तराखंड के अंदर अभी हाल ही में उसको लॉन्च किया गया था जिसके अंदर बच्चों को आइडेंटिफाई करना था और उनको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी अगला फॉरेस्ट पॉन्ड बनाने के लिए अभी हाल ही में एक योजना लॉन्च करी गई थी और ये योजना कहां पे लॉन्च हुई थी तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको लॉन्च किया गया था आइए जरा अवार्ड की बात करते हैं अब उसके बाद में चलेंगे मोहाली का जो हॉकी स्टेडियम है नाम बदल गया भाई सुनिएगा सवाल में पूछा जा रहा है टेम्पलेटन प्राइज अभी हाल ही में दिया गया है पहले तो ये जानो कि ये जो अवार्ड है ये कौन से फील्ड में जाता है तो ये लिटरेचर के फील्ड में जाता है क्या नहीं सुनो लिटरेचर के फील्ड में आपको व्यास सम्मान मिलता है सरस्वती सम्मान मिलता है नोबल प्राइज भी मिलता है लेकिन ये जो अवार्ड है ना ये ऐसे प्राणी को दिया जाता है ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने नेचर के लिए बहुत अच्छा काम किया हो किसके लिए नेचर के लिए तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है जेन गोडॉल नाम आसान है आसानी से याद हो जाएगा इसका नाम क्या है जेन गोडॉल ठीक है लेकिन ये कौन है अरे याद आया मिस यूनिवर्स कहाँ से मैक्सिको से बिलोंग करती हैं इनका नाम देख के कुछ याद आया ये नागालैंड से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया था अमोर फाल्कन के लिए बहुत अच्छा काम किया था जिसके चलते इनको वेटले अवार्ड से सम्मानित किया गया था अब जरा बात करते हैं इस पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में ठीक पहले एक बार देख लो कि किसको मिला है ये है वो आंटी तो एक बार से इनको शत शत नमन नमन करते हैं हम लोग और बात करते हैं सुनिए ये अवार्ड दिया जाता है उस पर्सन को जिसने नेचर के फील्ड में काम किया हो इन्होंने एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए दोनों के लिए काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने चिमपैजी के ऊपर काम किया है ओ आम जी और ये जो चिमपैजी हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं तंजानिया के अंदर उनके ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी कहाँ पे तंजानिया में जो चिंपैंजी पाए जाते हैं चिंपैंजी तो हमारे यहाँ पे भी पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे आके स्टडी कर लेनी चाहिए थी तो इन्होंने उसके ऊपर स्टडी करी बहुत अच्छी बात है और ये जो इनको अवार्ड दिया गया है अवार्ड का कर... जो जिसको अवार्ड मिला है वो तो मैंने आपको बता ही दिया बस ये ध्यान रखिएगा कि दिस इज़ इन द फील्ड ऑफ नेचर और ग्रीन ऑस्कर कौन सा अवार्ड है बेटले अवार्ड जो है दैट इज़ अ ग्रीन ठीक है चलो अच्छा अब दूसरा दूसरा नाम यहाँ से जुड़ा हुआ है लेकिन उससे पहले इसकी शुरुआत कब से करी गई 1973 से इसकी शुरुआत करी गई अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो अवार्ड है ये करंट टाइम में अगर आप देखो तो इसमें कुछ पैसा वैसा भी दिया जाता है क्या जी हाँ इसके अंदर पैसा दिया जाता है 1.1 पॉइंट मिलियन यूरो का अमाउंट दिया जाता है सिर्फ ये याद रखना कब शुरू हुआ ये याद रखना तो क्या इतना याद करने से काम चल जाएगा नहीं यार एक और अवॉर्ड भी है वो क्या है वो है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मैक्सिको की एक ऑथर है ठीक है मैक्सिको की एक लेखिका है जिनका नाम क्या है जिनका नाम थोड़ा सा खतरनाक है यहां पे लिखा भी हुआ है वेलेरिया ल्यूसली क्या नाम है वेलेरिया ल्यूसली इनको यहाँ पर एक्चुअली एक किताब मिला है आओ बात करते हैं किताब का नाम क्या है डबलिन लिटरेरी अवार्ड यानी कि लिटरेचर के फील्ड में एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम क्या है डबलिन लिटरेचर अवार्ड और ये अवार्ड दिया गया है किसको वेलरिया जी को ये अवार्ड दिया गया है कहाँ से बिलोंग करती है मैक्सिको से लेकिन क्यों मिलाए अरे इनकी एक किताब है भाई और इस किताब को यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है किताब का नाम क्या है तो किताब का नाम आपके सामने लिखा हुआ है लॉस्ट चिल्ड्रेन आरची क्या नाम है लॉस्ट चिल्ड्रेन आरची लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किताब कौन सी लैंग्वेज में है तो ये ध्यान रखिएगा दिस इज इन द इंग्लिश लैंग्वेज किस में है ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये किताब है आइए जरा आंसर करके बताइए प्रोफेसर शरद पगारे हाँ हम सबके घर पधारे आप बताओ कि इनको जो व्यास सम्मान दिया गया था वो कौन सी भाषा में दिया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी लैंग्वेज किताब का नाम क्या था पाटली पुत्र की सम्रागी अगला सवाल बताइए मोली अंकल को अरुंधति मैम के साथ में एक खिताब दिया गया सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो खिताब है वो यहाँ पर किस फील्ड में दिया गया तो ये साहित्य एकेडमी अवार्ड है और ये ध्यान रखिएगा जब आपसे साहित्य एकेडमी अवार्ड पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भैया कितनी लैंग्वेजेस 24 फोर लैंग्वेजेस ट्वेंटी तो वही लैंग्वेजेस हैं जो आपके एथ शेड्यूल में हैं बट बाकी तो कौन सी हैं इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज ठीक है चलो अच्छा आ जाओ चले मोहाली चले सुनिए मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो है उसका नाम अब चेंज करके रख दिया गया है बलवीर सिंह सीनियर जी के नाम पर बिल्कुल सही बात है ये इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है बिल्कुल सही बात है दूसरा स्टेटमेंट कि बलवीर सिंह सीनियर जी जो हैं इनका जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है और इनको हॉकी के अंदर एक लेजेंड के रूप में ट्रीट किया जाता है बिल्कुल सही बात है यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा द स्टेटमेंट आप आग करेंट आइए ज़रा बात करते हैं ओए होए बड़ा अच्छा लग रहा है पंजाब के अंदर मोहाली में यूवी का नाम सबने सुना है युवराज सिंह एवरी वन नोज और युवराज सिंह का रिश्ता नाता आप जानते हैं मोहाली से भी है तो मोहाली के अंदर ये जो स्टेडियम बना है दिस इज़ अ इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जिसका नाम अब चेंज करके रखा जा रहा है किसके नाम पे बलबीर सिंह जी के नाम पे देखो बलबीर सिंह सीनियर भी हैं बलबीर सिंह जूनियर भी हैं ये जो जूनियर है ना इनकी अभी हाल ही में अप्रैल में डेथ हुई थी कब हुई थी अप्रैल में इनकी डेथ हुई थी राइट अच्छा आज हम इनके बारे में बात करते हैं सबसे पहली चीज़ इनकी किताब इनकी किताब कौन सी है गोल्डन हैट्रिक क्या है गोल्डन हैट्रिक इसका मतलब ये हो गया कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ रही होगी कि जहां पे इन्होंने गोल्ड जीता होगा बिल्कुल सही बात है <coughs> ये तीन बार एक ऐसी हॉकी टीम का मेंबर रह चुके हैं जिसने गोल्ड मेडल जीता किस में ओलंपिक्स में लेकिन इनके नाम पे एक रिकॉर्ड भी कायम है रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो नाइनटीन में जब हॉकी के मैचेस हुए थे ओलंपिक के अंदर कहाँ पे हैलेस्की में किस जगह पे हेलेकी यानी कि फिनलैंड में कहां पर फिनलैंड के अंदर जल्दी से बताओ पीएम ऑफ फिनलैंड फटाक से कमेंट सेक्शन में उस समय पर यह मैच हुआ था इंडिया वर्सेस नीदरलैंड और वहां पर इन्होंने क्या किया था पांच गोल किए थे और अब तक का ये मैक्सिमम है कितने गोल किए थे पांच गोल किए थे अब तक का ये मैक्सिमम है इसके अलावा इनको महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 2019 में इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था अब अभी आपको याद होगा रिसेंट की बात है कि जब हम कहते हैं ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट तो किसका नाम आता है ध्यान चंद्र जी का नाम आता है और ये कौन है हॉकी के जादूगर हैं इनकी किताब क्या है गोल है और अगर मैंने कहा रानी रामपाल तो ये कौन है सना मरीन बस यही याद रखना रानी रामपाल इनका नाम हॉकी से जुड़ा हुआ है और इनको खेलो अवार्ड मिला था अरे राजीव गांधी अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है ठीक है अच्छा अब कुछ फैक्ट की बात करते हैं मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार किसका हुआ है नरेंद्र बत्रा जी का अपॉइंटमेंट किया गया अगर आपसे कहा जाता है कि जो बलबीर सिंह जूनियर जी थे इनकी डेथ कब हुई थी तो आप आंसर करोगे 13th ऑफ अप्रैल 2021 में अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई थी समझ गए चलो अच्छा आ जाओ एक आखिरी न्यूज की तरफ लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम कौन सा वाला है अभी कहेंगे मेरे को नहीं करना है चलो अच्छा इसका आंसर क्या बनेगा गुजरात है आपको मालूम ही है मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चेंज किया गया है अगला देखो यहाँ पर क्या है शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम ये स्टेडियम कब इस्टिश किया गया था कश्मीर यानी कि कश्मीर के अंदर होगा नाइनटीन में इसको इस्टेब्लिश किया गया था अगला सवाल फिरोज शाह कोटला मैदान जो है वो किसके नाम पे रखा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया है और ये दिल्ली के अंदर है और यहाँ पे विराट कोहली के नाम का एक अलग से स्टैंड भी बनाया गया है ठीक है गुजरात के साथ इतनी गुस्से वाली मोजी है अगला इकोना स्टेडियम कौन बताएगा यूपी के अंदर है इसका नाम अभी हाल ही में चेंज किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया आशीष हा? तो ये कहां पर है लखनऊ के अंदर है मैं आपको इसको घुमा चुकी हूं समझ गए अब ये मत कहना मैं घुमाया नहीं आ जाओ आखिरी न्यूज की तरफ चलते हैं जिनेवा ओपन टेनिस क्या हुआ है अभी जिनेवा ओपन टेनिस मेंस का सिंगल किसने जीता है बताइएगा देखो यहां पे जिनेवा के अंदर अभी हाल ही में मेंस का सिंगल टाइटल जो है वो जीता गया है किसके द्वारा कैस्पर रॉड के द्वारा और ये जो कैस्पर अंकल है ना ये कहाँ से बिलोंग करते हैं तो ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं इसकी कैपिटल कहाँ पे हो जाएगी तो इसकी कैपिटल हो जाएगी बताना पड़ेगा मेरे को है इसकी कैपिटल हो जाएगी ओस्लो के अंदर लेकिन एक नाम लिखा हुआ है राफेल नडाल सुनो राफेल नेडाल कहाँ से बिलोंग करते हैं स्पेन से बिलोंग करते हैं और अभी हाल ही में इटालियन ओपन का जो खिताब है वो इन्होंने जीता था आइए जरा बात करते हैं सुनिएगा सबसे पहला पॉइंट जिनेवा ओपन कहाँ पे हुआ जिनेवा के अंदर खेला गया अगर आपसे पूछा जाता है जो डेविस कप होता है क्या डेविस कप टेनिस से जुड़ा हुआ है जी हाँ ये टेनिस से जुड़ा हुआ है और अगर कहा जाए कि ये जो अभी कप खेला गया इसमें किसको हराया है तो इसमें डेविस शैपो वोलो को हराया गया अच्छा शेपुल से याद आया, मारिया मारिया की कौन सी है? क्योंकि वो अपना रिटायरमेंट ले चुकी हैं अच्छा, है, इनका ये दूसरा खिताब है क्या है इनका ये दूसरा टाइटल है कौन सा जिनेवा ओपन का ये ध्यान रखिएगा राइट और ये कौन से ग्राउंड पे खेला जाता है तो ये क्ले के मैदान पर खेला जाता है समझे हो तो यहां तक था आज का हम लोग करंट अफेयर्स जो मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया सारा का सारा पढ़ा दिया किताब का नाम नहीं आया अभी तक भाई रह गए किताब का नाम नहीं आया भैया आज की तारीख में नाम बताना है तो ये तो था हम लोग का आज का सेशन जो मैंने यहां पे आपको सारी की सारी न्यूज पढ़ा दी उम्मीद करेंगे कि आपके नोट्स बन गए होंगे अनस्टॉपेबल ए अनफिनिश्ड नहीं है मतलब प्रियंका चोपड़ा और मारिया शारापोवा में कोई डिफरेंस ही नहीं है खैर कोई बात नहीं चले अच्छा तो यहाँ पर यह है आपका होमवर्क और यहाँ पे किसी ने पूछा था कि मैम अगर हम लाइव क्लास करते हैं तो टाइम आउट हो जाता है डजेंट मैटर वो टाइम आउट के समय को थोड़ा सा अपने नोट्स के लिए इस्तेमाल करो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि टाइम आउट की प्रॉब्लम को तो हम वैसे भी रिजॉल्व नहीं कर सकते ठीक है तो ये है आपका आज का होमवर्क जो आपको कमेंट सेक्शन में करना है और इसके अलावा अगर आपने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी सुबह आपके पास में समय है आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं इट्स अनस्टॉपेबल एग्जैक्टली अनस्टॉपेबल है अनफिनिश तो किसकी है भाई प्रियंका चोपड़ा की नाराज हो जाएंगी वो तो ये आपका बैच जो है ये नया आज से शुरू होने जा रहा है इसमें आपको सारे टॉप एजुकेटर्स एक साथ में मिलेंगे और अब इसके अंदर वो वाला ऑफर नहीं है कि यानी कि एक साल के लिए परचेज करने पे दो महीने का एक्सटेंशन है ऐसा कुछ भी अभी नहीं मिल रहा है ठीक है बस ये ध्यान रखिएगा आपका जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है ये हर संडे को होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और क्लास का जो पी है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पर जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति ये ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स कैसे पढ़नी है कीर्ति इकोनॉमिक्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लो इन्फ्लेशन क्या होता है पॉवर्टी क्या होती है कौन से ग्राफ होते हैं और आखिरी में सिर्फ पेपर पढ़ना है क्योंकि पेपर में यूपीएससी में सिर्फ आपसे इंडेक्सेस पूछे जाते हैं नथिंग एल्स ओके okay, तो अब आपसे मुलाकात करेंगे साढ़े दस बजे और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्योंकि वहां पर हमें क्या पढ़ना है दोनों के रिलेशंस पढ़ने ओके okay, चलो अच्छा तो मिलते हैं आप लोगों से आज साढ़े आठ का क्लास फिर से नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी तीन चार दिन थोड़ा सा क्लास वो नहीं होगा उसके बाद में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे ओके okay, चलो भैया मिलते हैं टिल दिन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए घर पर रहिए और